ओके जैसे कि सर ने पहले एक्सप्लेन किया कि मिट्टी में जो स्टोन्स वगैरह बनते हैं उसके बारे में ना, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, स्टोन्स बनते हैं इसकी मेन रीजन क्या है कि किससे वजह से बनते हैं, कि जो हम अपनी डाइट के अंदर जो बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रोल वगैरह लेते हैं वो जो है ये मोस्टली जो है ये कैल्शियम वगैरह के ज्यादा इंटेक की वजह से भी होते हैं। मोस्टली अगर हम बात करें तो जब होता क्या है कि हमारा लीवर जो है हमारे जिगर में जो है वो एक फ्लूड बनाना होता है, इसको हम कहते हैं बाइल। बाइल का काम क्या होता है कि उसने जो है वो कोलेस्ट्रोल जो हम डाइट के अंदर लेते हैं वो, और जो हम फैट डाइट लेते हैं उसने, बाइल ने क्या करना होता है कि उसकी ब्रेक जो है बाइल एसिड क्या करना होता है इस कोलेस्ट्रोल और फैट की ब्रेक डाउन करनी होता है। तो वो पर्सन उनके जो है वो बाइल की प्रोडक्शन जो है वो कम होती है, मोस्टली उनके जो है वो ये जो है बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनके जो होगी तो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रोल जो है उसकी ब्रेक होगी, बॉडी जब नहीं होगी बॉडी रिमूव नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो क्या इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो बाइल होता है इसका बड़ा इंपोर्टेंट होता है अंदर जो फैट वगैरह के अब्जॉर्ब करने है बाइल एसिड ने, इसने जो एक्स्ट्रा बॉडी के कोलेस्ट्रोल वगैरह होता है उसको ब्रेक बॉडी से रिमूव करना होता है। अब इसके अलावा हम बात करें जब बाइल जो है वो हमारी बाइल बॉडी के जब जो है उसको प्रोड्यूस नहीं होगा तो आवाज कट रही है, जब बाइल जो है हेलो सर आवाज कट रही है, जब बाय जो है वो सर मुझे तो सही आ रही आपकी, जब बाय जो प्रॉपर जो है प्रोड्यूस नहीं करेगा वो तो इसको क्या जाएगा वो वाली डाइट जो हम ले फैट सॉल्युबल विटामिंस वगैरह वाली, लाइक हम बात करें वाई है ई के है, जब बाइल नहीं होगा तो ये जो हम जितनी मर्जी ये फैट सॉल्युबल वगैरह वाली डाइट इनसे हमें कहेंगे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं। आवाज कट पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। हेलो सर आवाज कट रही है आजकल, नेट का इशू है, कल एक्सप्लेन कर दूंगी। सर आज नेट का इशू है, कल एक्सप्लेन कर दूंगी। सर कंक्लूड किया जाए। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड स्पीकर डॉक्टर फातिमा शबीर, न्यूट्रिशनिस्ट, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर योर प्रीशियस टाइम यू हैव गिवन अस। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम यू हैव गिवन अस एंड फॉर योर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर, एंड थैंक्स लॉट ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड माई स्पेशल थैंक्स टू आर रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस वेबिनार डॉक्टर मोहम्मद अकरम, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड मेडिसिन एंड सर्जरी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, फॉर ऑर्गेनाइजिंग दीज इन्फॉर्मेटिव प्रीशियस एंड बेनिफिशियल वेबिनार्स ऑन डेली बेसिस। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।